मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या ये वाला कॉलेज बेस्ट है या फिर ये वाला कॉलेज बेस्ट है, प्लेसमेंट किसका अच्छा है, सैलरी पैकेज किसका अच्छा है, ठीक है ये जाऊंगा ये सही रहेगा या फिर इस पर जाऊंगा ये सही रहेगा। आपके मन में भी गाइज ये सारे सवाल हैं, कॉलेज चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो के एंड तक आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में भी गाइज काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि ये कॉलेज बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है, वो वाला कैसा है। तो गाइज मैं हर कॉलेज के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी मैंने कमेंट्स में कि भाई कैसे पता लगा सकते हो, कैसे कि उसका वेबसाइट पर रिसर्च करके, लेकिन वो रिसर्च एक्चुअली करनी कैसी है, बहुत से लोग बताते हैं कि कॉलेज में ये देखना ज़रूरी है वो देखना ज़रूरी है, पर मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हर कॉलेज में आपको क्या क्या देखना है और कैसे देखना है, वो भी आपको बताऊंगा, जो एक ट्विस्टिंग पॉइंट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है इस तो आपके कॉलेज में ना दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं, पहला कि उस कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना जा रहा है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्लेस हो रहे हैं और ये नंबर हर साल इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे विजिट कर रही हैं और ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद गए जो कंपनी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज है बोलता है कि भाई बच्चों को इतना पैकेज मिला है, वो आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई कैसे करना है वो चीज़ भी आपको मैं आज यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो आज के बाद ये कंफर्म है कि आज के बाद कोई भी डाउट कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो एक कॉलेज का एग्जांपल लेके आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बाकी सारे कॉलेज का आप समझ सकते हो। तो GLA नाम से कॉलेज है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो GLA मैंने यहाँ पे सर्च किया या फिर प्रॉपर आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं गाइज ये कोई पेड वीडियो है, GLA वालों ने मुझे पे किया अपना प्रमोशन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक रैंडम नाम मेरे दिमाग में आ गया और तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी हर कॉलेज का आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया या फिर प्रॉपर आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो डायरेक्टली। तो ठीक है मैं सर्च किया तो नीचे वेबसाइट आ रही है जो खुल गई है। अब इनका जो बैनर आ रहा है कि भाई इतने पैकेज मिला इतने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ताम झाम से, हमें जो उनका जो मेन पॉइंट है उस पर जाना है जो हमारा प्लेसमेंट वाला है। तो हम तीन लाइन पर क्लिक करेंगे और प्लेसमेंट वाली टैब यहाँ पर सर्च करेंगे तो हर कॉलेज की आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे ओवरव्यू पे कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें किस तरीके से हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाले का ओवरव्यू टैब यहाँ पे खुल गया और हम थोड़ा नीचे जाएंगे और नीचे जाते ही आपको देखने को मिलेगा चीज़ें कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 500+ MNCs कंपनीज आई हैं यहाँ पे और जिनका एवरेज पैकेज जो रहा है 4.5 से 44 लाख तक रहा है। तो एक एवरेज पैकेज की वैल्यू आपको पता चल गई इस कॉलेज की कितनी आती है, ठीक है। 3000+ जो स्टूडेंट अभी तक तो प्लेस हो चुके हैं, हाईएस्ट पैकेज इनका 44 लाख पर एनम गया है और 76% एवरेज प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कॉलेज की यहाँ पे मिल गई है। तो हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से देख सकते हो। अब इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड तक, बट उसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। आप बीच में कोई भी चीज़ छोड़ के चले जाओगे ना फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली, फिर कमेंट्स में आप पूछोगे इसके भैया ये कैसे देखना है, सर ये कैसे देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। नीचे आते हैं तो यहाँ पे कोर्स वाइज टॉप रिक्रूटर यानी कौन कौन सी कंपनीज जो यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है, जैसे अमेजोन हुआ है, HSBC हुआ है, मेडिलैफ हुआ और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो कंपनीज़ की लिस्ट भी देखना ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंपनीज़ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। और हर कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से कोर्स के लिए कौन सी कंपनी टॉप रिक्रूटर है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ढूंढ लेना है, चाहे MBA हो चाहे BTech हो चाहे कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज़ के बारे में डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ईयर वाइज नंबर ऑफ प्लेसमेंट, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हर ईयर इनका प्लेसमेंट कैसा है। देखो 2017 में 2003 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, 2018 में 2100, फिर 2500 और 2020 और 2021 में थोड़ा सा कम हुआ है जो कि कोविड का रीज़न हो सकता है, जो कि जेन्युइन है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 2022 में हम देखेंगे तो ये प्लेसमेंट नंबर 3000+ लाख है, पॉजिटिव ही इसको हम मानेंगे। ऐसे हर किसी कॉलेज कंपेयर करते हैं नंबर स्टूडेंट जो प्लेस्ड हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उतने नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी कॉलेज बारे में। ईयर वाइज कंपनीज विजिटेड मतलब हर साल कितनी कंपनी ने विजिट किया प्लेसमेंट के, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग थोड़ा कम था, साल 2020 और 2021 में यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, 2022 में भी लगभग सेम ही है। अब देखते हैं इसका इंक्रीज़ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये तो ओवरव्यू हो गया। अभी तो थोड़ा हम ना डिटेल्ड में जाएंगे प्लेसमेंट वाले में, आपको देखने को मिलेगा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, तो उस पर हमें क्लिक करना है जहाँ पर डिटेल्ड हमें स्टूडेंट के नाम आएंगे, कंपनी आएगी कौन सी है और उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। वेरीफाई भी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी।
अब ये तो रैंडम आ रहा है, लेकिन हमें सर्च करना है एमबीए का, तो हम लास्ट ईयर का सर्च करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट किया कोर्स, हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एमबीए, क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य यहीं पे है। तो जैसे सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वहीं लास्ट में आपको एक कॉलेज का नाम दिख जाएगा, सॉरी कोर्स का नाम दिख जाएगा एमबीए, और ब्रांच भी हम एमबीए करेंगे, यानी मतलब ऑल ओवर एमबीए की बात करें, किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं करें स्पेशलाइजेशन की, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे, तो देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। देखो इस यहाँ पे हर स्टूडेंट के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी कंपनीज भी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो जो कॉलेज ने क्लेम किया है कि बच्चों को इतना प्लेसमेंट या इतना ऑफर मिला है, इतना पैकेज मिला है, तो वो आप वेरीफाई कर सकते हो कंपनी का नाम सर्च करके। कैसे? आपको कंपनी का नाम सर्च करना है और एवरेज सैलरी डाल देनी है गूगल पे, तो आपको हर कंपनी की एवरेज सैलरी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और आप वो चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हो कि कॉलेज ने जो बोला है और एक्चुअल में जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है, सारा कुछ सेम है ना, तो वो चीज़ आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। एवरेज सैलरी कितनी है कॉलेज की, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं हर साल, और ये नंबर हर साल इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो विजिट कर रही हैं, और तीसरा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वेरीफाई कैसे करना है कि ये जो क्लेम किया है कंपनी ने, कितना पैकेज मिल रहा है, इतना ऑफर हुआ है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे करना है। कंपनी का नाम आपको सर्च करना है, पीछे लिखना है एवरेज सैलरी और सर्च कर देना है, तो एक एवरेज सैलरी का आइडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये डेटा प्रोवाइड आपको कराती हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि बेस्ट कॉलेज कैसे चूज़ करना है एमबीए के लिए, या फिर किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मेरा जो चैनल है ज़्यादा एमबीए के अराउंड घूमता है, तो मैंने एमबीए के बारे में ज़्यादा फोकस किया है। तो गाइस आप भी समझ सकते हो, मैं हर कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता, ना ही मुझे पता है, लिटरली मैं इतना जानकार नहीं हूँ कि हर कॉलेज के बारे में बता सकूँ। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेबसाइट से रिसर्च करके आप चीज़ें निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हो वो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दी हैं, और फिर भी इन केस अब कोई भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट करके आप वो चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है गाइज। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा मैसेज है वो आप तक पहुँचा होगा। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट लव, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा तो गाइज फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हम करने वाले हैं, तो वो टाइम टू टाइम मैं आपको रिवील करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज तब तक कीप सपोर्टिंग। आपको फिर भी कोई पर्सनल चीज़ें मुझसे बात करनी है, तो मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी भी है @shubhamsharma_SPTRN, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।